ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के हमने जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स समझा था उस पे कुछ एग्जांपल्स आज देखेंगे कैसे हमें करना है. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल. अब हमने यहां पे पढ़ा था कि अगर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b है और a है आपका xi प्लस yj x1i y1j और b है x2i एंड y2j, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये i और i कंपोनेंट आपस में इक्वल हो और j कंपोनेंट आपस में इक्वल हो. दैट मींस x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 एंड y1 मस्ट बी इक्वल टू y2. हम यहां पे क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. आपको 2i प्लस 3j इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई जे लिखना है. अब यहां पे कंपेयर जब करेंगे हमें x मिल जाएगा 2 और y हमें मिल जाएगा 3. दैट इज माय आंसर. तो x 2 हो गया, y 3 हो गया. सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं. आपको बोले एक पॉइंट P है -4, 3 और आपको बोला ये एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई मतलब जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये प्लेन है, इसमें कोई भी एक पॉइंट है -4, 3. आपको इस OP को जैसे -4, 3 यहां कहीं पे है अगर, तो दिस इज ओरिजिन O, दिस इज पॉइंट P, तो मुझे इस OP वेक्टर को, OP वेक्टर को i और j के फॉर्म में लिखना है. तो हमने ये बात पढ़ी थी, जो x है उसके साथ हमेशा i आता है, जो y कंपोनेंट है इसके साथ हमेशा j आता है. तो हम OP वेक्टर को लिखेंगे -4i और 3 के साथ j. x के साथ हमेशा i आएगा, y कंपोनेंट के साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ j आ जाएगा. दिस इज माय फाइनल आंसर. नेक्स्ट मुझे पूछा है कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b ये गिवन वैल्यूज हैं तो क्या मॉड a और मॉड b इक्वल है. अब यहां पे मॉड a हम कैसे निकालते हैं, मॉड a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, और हमने देखा था कि अगर मुझे वेक्टर a दिया हुआ है xi एंड yj तो फिर मॉड a हो जाता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. तो यहां पे मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x है i के साथ का कोफिशिएंट. यहां पे i के साथ क्या कोफिशिएंट है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लेते हैं, तो यहां पे 1 स्क्वायर प्लस y है j के साथ का कंपोनेंट यानी 2 स्क्वायर व्हिच इज अंडर रूट 5. b का हम मॉड निकालते हैं तो इसी तरीके से मॉड b हो जाएगा x का कंपोनेंट, i के साथ जो नंबर लगा हुआ है 2 उसका हम स्क्वायर करेंगे, j के साथ कोई भी नंबर नहीं लगा है तो हम 1 लिखेंगे व्हिच इज 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5. तो मॉडुलस a भी √5, मॉडुलस b भी √5. तो हम बोल सकते हैं मॉड a इज इक्वल टू मॉड b. लेकिन क्या वेक्टर a को वेक्टर b बोल सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि ये i और ये i मैच करना चाहिए. यहां पे i के साथ 1 है, यहां i के साथ 2 है, मैच नहीं कर रहा. j को हम देखते हैं, यहां j के साथ 2 है, यहां j के साथ 1 है, ये भी मैच नहीं कर रहा है. देयरफॉर वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b. ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल. इस क्वेश्चन को हम देखेंगे. आपको बोला फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट a 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट b -5, 7. अच्छा, मुझे बोला है कि एक पॉइंट a है जिसकी पोजीशन है 2, 1 एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक पॉइंट b है जिसकी पोजीशन है -5, 7 एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. मुझे a b वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है. अब यहां पे
ये जो a है position vector of a हो जाएगा हम हमेशा x component के साथ जो आपका x वाला portion है इसके साथ i लगाएंगे y वाले component के साथ j लगाएंगे तो 1 into j is j हम 1 नहीं लिखेंगे b के लिए position vector of b 5 के साथ i 7 के साथ j या क्या अब मुझे निकालना है क्या है a b निकालना है तो मैं लिखूंगा वेक्टर a b इज इक्वल टू रूल हमने पढ़ा था जब भी मुझे a b निकालना होता है सेकंड पॉइंट कम्स फर्स्ट तो मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b उसके बाद a आएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a b पहले आएगा a बाद में आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b कितना है माइनस 5i प्लस 7j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a 2i प्लस j ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस 5i मिल गया 7j मिल गया माइनस 2i मिल गया माइनस j मिल गया अब i goes with i तो माइनस 5 और माइनस 2 हो गया माइनस 7i 7j एंड माइनस j 7 माइनस 1 हम j और j को एक साथ i और i को एक साथ तो 5 और 2 हो गया 7 विद अ नेगेटिव साइन 7 माइनस 1 इज 6 तो हम लिख लेंगे 6j अब मुझे क्या बोला है कि मेरे को स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा मेरे पास a b वेक्टर कितना मिला है माइनस 7i एंड 6j ये मिला होगा तो इसका जो स्केलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा i के साथ माइनस 7 है तो माइनस 7 लिखूंगा j के साथ 6 है तो 6 लिखूंगा ये हमारा स्केलर कंपोनेंट तो हम i और j को अगर हटा देते हैं जो हमारे पास वैल्यूज बचती हैं x और y के उसको हम स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग x एक्सिस इट्स 7i और अलोंग y एक्सिस द कंपोनेंट इज 6j ये हो गया आपके वेक्टर कंपोनेंट ठीक है सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम देखते हैं आपको बोला फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस अब यहां पे यूनिट वेक्टर बेसिकली होता क्या है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए अब हमने देखा कि x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने i कैप डिफाइन किया हुआ है y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने j कैप डिफाइन किया हुआ है सिमिलरली अगर एक थर्ड एक्सिस हम z लेते तो उसके यूनिट वेक्टर को हमने k कैप डिफाइन किया हुआ है हम हमेशा कैप लगाते हैं टू शो इट्स अ यूनिट वेक्टर तो मुझे अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में a कैप अगर मैंने लिख दिया इट मींस इट इज यूनिट वेक्टर कैप लगा है मींस यूनिट वेक्टर और अगर सिर्फ एरो लगा इट मींस इट कैन बी एनी वेक्टर ये तो हमने नोटेशन देखा और हमने ये भी समझा कि यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है अब x डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर i y डायरेक्शन में j और z डायरेक्शन में k डिफाइन किया हुआ है अब मान लीजिए ये कोई भी एक रैंडम पोजीशन है इसकी कोऑर्डिनेट है मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं मान लीजिए 6 एंड 8 अब मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए अब इसी बात है कि ये जो वेक्टर होगा ये 6i plus 8j होगा अब मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में 1 कितना है यूनिट का मतलब होता है 1 तो इस डायरेक्शन में 1 कितना है अब मुझे क्या करना है मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर एंड दैट इज 10
है ना, 36 plus 64 is 100, अंडर रूट 100 is 10. मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 मिलेगा मुझे. इस 10 को 1 बनाने के लिए क्या करना है, 10 को 1 बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है मैं 10 से डिवाइड करूंगा. तो इस यूनिट इस वेक्टर को, इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा. तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए. किसी भी डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे वेक्टर ए आपको दिया है -3i and 4j, तो मॉड्यूलस ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3² and 4² दैट इज 9 plus 16 25, अंडर रूट हो गया 5, हमें मॉड्यूलस ऑफ ए मिल गया 5. तो फिर यूनिट वेक्टर ए कैप इस डायरेक्शन में है ना. ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल हियर. तो हमें इसका मैग्नीट्यूड 5 मिल गया. तो ए कैप को मैं लिख लूंगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए. ये तो हो गया फॉर्मूला. वेक्टर ए हमारे पास है -3i and 4j डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए विच इज 5. तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, -3 upon 5i and 4 upon 5j, दैट इज माय आंसर. ये हमारे यूनिट वेक्टर हो गया. अब हम वेरीफाई अगर हम करना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मुझे 1 मिलना चाहिए. हम निकाल के देख लेते हैं. हम एक काम करते हैं, आपको ए कैप दिया हुआ है -3 upon 5i and 4 upon 5j. हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 upon 5 whole square and 4 upon 5 whole square. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये 1 आता है. अब इसको आप लिख लोगे अंडर रूट ऑफ, दिस इज -3 का स्क्वायर इज 9 5 का स्क्वायर 25 4 स्क्वायर इज 16, दिस इज अगेन 25, दिस इज 25 25 LCM, 9 and 16 16 plus 9 is again 25, कैंसिल, हमें मिल गया 1. देयरफॉर ये यूनिट वेक्टर है. ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं. जब भी हम ये सिचुएशन मिलती है कि आपको बोला एक वेक्टर निकालो, आपको बोला फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर 2i - j. अब पैरेलल टू दिस वेक्टर मींस दिस इज द डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए. इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालूंगा, उस यूनिट वेक्टर को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो सबसे पहले लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i - j. हम अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये हो जाएगा 2² and -1 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 1, दैट इज √5. देयरफॉर इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2i - j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, क्योंकि a कैप क्या होता है, यूनिट मॉड a अपॉन सॉरी वेक्टर a अपॉन मॉड a. ये फॉर्मूला हमने लगा लिया, ये आपको मिल जाएगा 2 upon √5 with an i and j upon √5. हम इसको 1 upon √5j भी लिख सकते हैं.
ये हमें मिल गया यूनिट वेक्टर। अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर इज 5 टाइम्स multiplies 5 to the you will get 5 into 2i root 5 and इसको जब हम rationalize करेंगे देखो 5 upon root 5 मिल गया, इसको हम rationalize करते हैं under root 5 upon under root 5 तो ये हो गया 5 root 5 5 into 5 ये 5 हो गया cancel, हमें root 5 मिलेगा। तो जब मैं इसको solve करूँगा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे root 5 बचेगा और साथ में 2 यानी 2 root 5 i और ये हो जाएगा simply root 5 j, this is my answer, ठीक है? इस question को देखते हैं, आपको बोला write down a unit vector in x y plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा x y एक्सिस हो गया, मुझे यहां पे एक वेक्टर चाहिए such that this vector is making an angle 30 degree with the positive direction of x axis. लेकिन मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। That means ये जो O P है ये 1 होना चाहिए। That means O P का magnitude होना चाहिए 1। हमने assume किया कि O P की length 1 है। Let that is length of the O P, length of O P is 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक perpendicular से drop कर दूँगा। Suppose this distance, इसको मैं m assume कर लेता हूँ, this distance is x and this distance is y, then in triangle OPM, यहाँ पे मुझे x और y basically चाहिए, OM, देखो trigonometry का एक rule है, unknown quantity upon known quantity is equal to ratio or rather trigonometric ratio. यहाँ पे unknown quantity x है, that is OM, known quantity OP है, is equal to. In this triangle, this is the base adjacent side upon hypotenuse. तो ये हो जाएगा हमारा cos 30 degree. यहाँ पे हम लिख सकते हैं OM is equal to OP cos 30 degree. OM is nothing but x, so x ho jayega OP which is 1 into cos 30. Cos 30 kitna hota hai? 1 into cos 30. PM nikaliye. MP upon OP. ये रूल लगाएंगे, अननोन क्वांटिटी दैट इज एमपी एंड नोन क्वांटिटी दैट इज ओपी इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन एमपी है हमारा वाई, ओएम ओपी इज 1, साइन 30 इज 1 अपॉन 2, y आपको मिल गया 1 upon 2, sorry 1 upon 2, अच्छा x हमें root 3 by 2 मिला, y हमें 1 upon 2 मिला, therefore O P vector equals to xi and yj, which is x की value हमें कितनी मिली, root 3 by 2 i and 1 upon 2 j.
तो ये हमें मिल गया यूनिट वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. दिस इज माय आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल. अभी हमने ये क्वेश्चन टू डायमेंशनल प्लेन यानी आई और जे के फॉर्म में देखा था. अब हम आई जे के यानी 3D में देखते हैं. रूल वही रहेगा. आपको बोला है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. आपको बोला ए एंड बी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स आई है प्लस टू जे है और जेड के है. बी की वैल्यू हमारे पास टू आई है वाई जे है और के है. दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो, हमने समझा था आई और आई मैच होना चाहिए, जे और जे मैच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे के है तो के भी मैच होना चाहिए. दैट मीन दिस आई मस्ट बी इक्वल टू दिस आई. यहाँ आई के आगे टू है, यहाँ आई के आगे एक्स है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू. यहाँ पे जे के आगे टू है, यहाँ पे जे के आगे वाई है, देयरफॉर वाई मस्ट बी इक्वल टू टू अगेन. यहाँ पे के के आगे जेड, के आगे वन, तो हम लिख लेंगे जेड इक्वल्स टू वन एंड दैट इज माई आंसर. सिंपल था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. आपको बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस. मैग्नीट्यूड के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर और के का कंपोनेंट 6 का स्क्वायर. यह हमें मिल जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, 40 एंड 9. तो हमें मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, 7 एंड दैट इज माय आंसर. सिंपल था ये. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आपको बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी. यहाँ पर ध्यान रखना ए प्लस बी बोला है, वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस. इसमें मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर तो निकालना है लेकिन उसके पहले मुझे ए प्लस बी करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी निकालता हूँ. ए की वैल्यू है मेरे पास 2i j एंड 2k. दिस इज ए प्लस बी विच इज माइनस आई प्लस जे एंड माइनस के. अब आई गोज विथ आई तो 2i माइनस आई, देखो प्लस है प्लस माइनस माइनस तो माइनस एंड दिस ये हो जाएगा 2i माइनस आई विल बी I माइनस जे एंड प्लस जे. माइनस वन प्लस वन इज जीरो. हम जे नहीं भी लिखें तो चलेगा, हम जीरो जे हटा सकते हैं बिकॉज दिस इज जीरो. अच्छा 2k माइनस के इज k. मुझे अब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना है. सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो कोफिशियंट लगाया उसका स्क्वायर, के साथ जो कोफिशियंट लगाया उसका स्क्वायर. जे कॉम्पोनेंट है नहीं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है. यहां में मिल गया अंडर रूट वन स्क्वायर इज वन, वन स्क्वायर इज वन दैट इज टू. अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे ए प्लस बी होना चाहिए. अच्छा a प्लस बी मैंने कितना निकाला था, i प्लस k निकाला था डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड एंड दैट इज अंडर रूट 2. ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 i
and 1 upon root 2 k, the j component is missing, so hum nahi likhenge, chahe to hum 0 j bhi yahan pe likh sakte hain. Is question ko dekhte hain. Aapko bola find the unit vector in the direction of pq where p and q are points this and this. Mujhe unit vector chahiye pq ke direction mein. सबसे पहले मैं PQ निकालता हूं, क्योंकि PQ मिल गया तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं. देखिए यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर PQ डिवाइडेड बाय मॉड PQ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए PQ चाहिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो मैं सबसे पहले PQ निकालूंगा. PQ को वापस हम रूल पे आते हैं, PQ में मैं Q को पहले लिखूंगा P को बाद में, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू. क्यू हमारे पास ये है, जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ में आई लिखूंगा, जो वाई कंपोनेंट है उसके साथ में जे लिखूंगा, जो जेड कंपोनेंट है उसके साथ में के लिखूंगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विच इज दिस, जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ में आई लिखूंगा, 2 के साथ में J लिखूंगा और 3 के साथ में K लिखूंगा. मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, सॉल्व करना है. दिस इज माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1 एंड 4, ये हो गया 3i, 5 माइनस 2 विच इज 3j, आई एम सॉरी, एंड 6 माइनस 3 इज अगेन 3k. 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया आई प्लस जे प्लस के, ये हमें क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया. तो मुझे क्या चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड. तो मैं मॉड पी क्यू निकालता हूं. अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने में हमें एक चीज का ध्यान देना है, हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमने कॉमन दिया है हमारी कन्वीनियंस के लिए, है ना. आप चाहे तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा भी सकते हो. हम इसमें 3 3 एंड 3, तो मॉड पी क्यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर विच इज 27, जिसको हम 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं. अब मुझे क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो हम निकलेंगे वेक्टर पी क्यू था 3 कॉमन आई जे के अपॉन मॉड पी क्यू, हमने कितना निकाला 3√3. दिस गेट कैंसल्ड, आपको देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना मिल जाएगा, आई जे के अपॉन 3√3. दिस इज माय आंसर. इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको बोला शो दैट द वेक्टर 2i minus 3j plus 4k and 4i minus 4i plus 6j minus 8k are collinear. हमने एक चीज पढ़ी थी, if vector a is equal to some scalar quantity lambda into vector b, then a and b are collinear. वेक्टर्स में हम collinear parallel पैरेलल बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं. तो यहां पे मुझे सिर्फ अगर मैं इस ऐसा कुछ रिलेशन ले आता हूं. अब देखिए यहां पे हमारे पास 2 है, यहां पे मेरे पास, आप जस्ट क्या करोगे,
फर्स्ट वैल्यू जैसे 2i माइनस 3j प्लस 4k, इसको सबसे पहले तो मैं a पुट कर दूंगा, दूसरी वैल्यू को मैं b पुट कर देता हूं, मुझे सिर्फ कोलिनियर प्रूफ करने के लिए इसके फर्स्ट नंबर को मैच करने की कोशिश करनी है। यहां पे 2 है, यहां पे क्या मैं कोई ऐसा नंबर कॉमन ले सकता हूं या मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि ये 2 बन जाए? तो यहां पे मैं अगर -2 कॉमन ले लूं ये 2 बन जाएगा, तो मैं यहां पे -2 कॉमन लेता हूं, 2 2 = 4 2 3 =, लेकिन यहां माइनस है तो ये माइनस साइन आ जाएगा, एंड 2 4 = माइनस एंड माइनस इज प्लस। अब मुझे सिर्फ एक नंबर कॉमन लेना होता है, बाकी सब एक नंबर को मैच करना होता है, सॉरी मैंने एक नंबर को मैच किया बाकी सब मैं कॉमन लेता गया, अगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो इसके जैसे फॉर्म हो गए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -2 × (this is nothing but a), तो -2a लिख सकता हूं। बेसिकली वेक्टर b इज इक्वल टू -2 वेक्टर a। अब क्योंकि हम इसको a इज इक्वल टू लैम्डा b के फॉर्म में ला चुके हैं, देयरफॉर a एंड b आर कोलिनियर। ये हो गया प्रूफ। तो हमें सिर्फ एक नंबर कॉमन देना होता है और ये देखना होता है कि वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर। मुझे पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R कोलिनियर प्रूव करना है, और तीनों की मेरे को पोजीशन वेक्टर्स दी हुई है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर दी हुई है, दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक कंडीशन तो पढ़ी है कि अगर मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है तो मैं वेक्टर a इज इक्वल टू सम लैम्डा इनटू वेक्टर b, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर कोई नंबर, ऐसे कर सकता हूं। अब यहां पे क्या किया जाए, तो यहां पे हमें टेक्निक अप्लाई करेंगे कि मुझे यहां पे पी क्यू और आर इनको कोलिनियर प्रूव करना है, तो मैं पी क्यू निकाल लेता हूं, क्यू आर निकाल लेता हूं, अगर पी क्यू इज इक्वल टू सम लैम्डा इंटू क्यू आर मिल जाता है तो फिर मैं पी क्यू एंड क्यू आर कोलिनियर, दैट मीन्स पी क्यू आर आर कोलिनियर प्रूव कर सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पी क्यू निकालेंगे, रूल द सेकेंड कम्स फर्स्ट द फर्स्ट कम्स सेकेंड, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, क्यू की पोजिशन दिस इज क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज आर। तो हम इसको लिख लेंगे -2i + 3j = 5k, पोजीशन वेक्टर ऑफ p i j k, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3i प्लस 3 माइनस 2, 1 बचेगा तो j लिख लेंगे, 5 माइनस प्लस माइनस तो माइनस 3, ये हमें pq मिल गया। qr निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, पोजीशन वेक्टर ऑफ q, r मेरे पास है 7i एंड k,
minus position vector of q, that is this. ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से रब कर देता हूं, 7i 2i, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 7 प्लस 2, j तो है नहीं यहां पे, तो माइनस प्लस माइनस हम 3, j लिख लेंगे, माइनस k एंड माइनस 5, माइनस 6, because 1 and minus 5, देखो plus minus minus होता, तो 5 plus 1 हो गया 6, minus sign लगेगा, यह आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, again, अगर collinear prove करना है, हम क्या करेंगे, इसके first number और first number को match करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे minus 3 है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे minus 3 common लूँगा, तो मुझे minus 3 मिलेगा, first number match करने की कोशिश करता है, minus 3 into minus 3 is 9, minus 3 1s are, minus 3 2s are, तो PQ and QR हम लिख सकते हैं, देखो ये exactly मुझे, sorry, not QR, लिखेंगे QR is equal to minus 3, this is actually the value of PQ, ऐसे लिखेंगे, therefore हम लिखेंगे PQR R, ये हो गया proof, easy था ये,